इसमें क्वेश्चन नंबर 30 है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कास्ट थीटा देन प्रूव दैट 10 थीटा इक्वल टू 1 आर 1 बाई 2। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा इंटू कास्ट थीटा होता है, और हमको प्रूव करना है कि 10 थीटा इक्वल टू 1 आर 1 बाई 2 होगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करें, अगर एग्जाम में इससे रिलेटेड कोई दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आपसे बहुत ईजी वे में बन जाएगा। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना, तो सबसे पहले हमको इस इक्वेशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में इसके बाद हमको देखना है कि यहाँ पे क्या प्रूव करने को बोल रहा है। ये प्रूव करने को बोल रहा है कि 10 थीटा इक्वल टू 1 आर 1 बाई 2। अब यहाँ पे देखिए 10 थीटा कैसे आएगा, तो हमको मालूम है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू होता है 10 थीटा, है ना। ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लीजिएगा अगर याद नहीं होगा तो, और इस टाइप के जितने भी फार्मूला है ना आपको याद करने पड़ेंगे। दूसरा चीज़ देखिए, एक और फार्मूला है जो 10 से रिलेटेड सारे क्वेश्चन में बहुत ही यूजफुल है, वो है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, साइन थीटा अपन कास्ट थीटा है। अगर हम दोनों साइड में कास्ट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करें, अगर दोनों साइड में हम लोग कास्ट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 अपन कास्ट स्क्वायर थीटा, ये वाला भी फार्मूला आपको आता होगा, 1 अपन कास्ट थीटा इक्वल टू होता है सेक थीटा, तो 1 अपन कास्ट स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इधर भी कास्ट से कास्ट कटेगा और साइन थीटा अपन कास्ट थीटा 10 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हमको दिख रहा है, अगर हम लोग मेंटल में इससे कर लें तो, कि दोनों साइड में हम लोगों को कास्ट स्क्वायर थीटा को डिवाइड करना है। तो उसको यहाँ पे लिखेंगे कि डिवाइडिंग कास स्क्वायर थीटा टू बोथ साइड, ठीक है। तो आपको पहले दिमाग में इसको बनाना है ना। सीधा अगर ऐसे बनाएंगे तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए। अब दोनों साइड में हम लोग कास स्क्वायर थीटा को डिवाइड करेंगे तो ये होगा 1 अपॉन कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई कास स्क्वायर थीटा। कई बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं कि वो एक ही साइड को डिवाइड करते हैं, लेकिन हमको बोथ साइड को डिवाइड करना होता है ना। इक्वेशन में एक ही साइड में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो ना अपन कास स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपन कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखिए ये जो 3 साइन थीटा कॉस थीटा है, तो यहाँ पे नीचे में कास स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि इक्वल होता है 3 टेन थीटा के, ठीक। ये समझ में आ गया आप लोगों को, 3 टेन थीटा यहाँ पे होगा। अब इधर देखिए जो सेक स्क्वायर थीटा है ना, इस वाले फार्मूला से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो हमको क्या निकालना है, टेन थीटा का जो वैल्यू है ना 1 आर 1 बाई 2 में निकालना है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे जो सेक स्क्वायर थीटा है ना उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के फॉर्म में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। तो देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के जगह में लिख रहे हैं प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 टेन थीटा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। अब यहाँ पे देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, इसको अगर हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 3 टेन थीटा और ये प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट टेन थीटा इक्वल टू हम m मान लेते हैं, ठीक है। तो कन्वर्ट हो जाएगा 2 एम स्क्वायर माइनस 3 एम प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिड टर्म स्प्लिट करके सॉल्व करेंगे तो इसका रूल क्या होता है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है 2 एम स्क्वायर और 1 का, मतलब ये प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 एम स्क्वायर। तो मिड टर्म को ऐसा स्प्लिट करें कि मल्टीप्लाई करें तो 2 एम स्क्वायर आए, लेकिन सम करें तो माइनस 3 एम आए, तो क्या हो जाएगा माइनस 2 एम इंटू माइनस एम। देखिए इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 एम स्क्वायर आ रहा है, लेकिन सम करेंगे तो माइनस 3 एम आएगा। तो इस टाइप से हमको मिड टर्म स्प्लिट करना है, तो हो जाएगा 2 एम स्क्वायर माइनस 2 एम माइनस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। आगे जाके सॉल्व करेंगे तो 2 एम कॉमन आ गया, ये हो जाएगा एम प्लस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन आ गया, ये हो गया एम माइनस 1
सॉरी यहाँ पे m माइनस वन होगा ना, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो m माइनस वन इक्वल टू जीरो हो गया। अब यहाँ पे देखिए m माइनस वन कामन आ गया और यहाँ पे 2m माइनस वन कामन आ गया इक्वल टू जीरो। और हमको मालूम है कि दो नंबर जिनके प्रोडक्ट जीरो होते हैं तीनमें से कोई ना कोई नंबर जीरो होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, m माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयर फोर एम इक्वल टू वन, और 2m माइनस वन इक्वल टू जीरो, देयर फोर एम इक्वल टू माइनस वन को इधर ट्रांसफर करेंगे तो वन हो जाएगा और टू को ट्रांसफर करेंगे तो ये वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमको मालूम है कि चूंकि m इक्वल टू क्या है, टेन थीटा है, तो यहाँ पे हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू वन आर वन बाई टू, ठीक। तो ये क्या हो गया, इससे प्रूव्ड हो गया, तो प्रूव्ड हो जाएगा यहाँ पे। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।